तो नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती जो टीचर ग्रेड फर्स्ट की भर्ती है, जो 11 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक जिसका एग्जाम चलेगा, जो कि अलग अलग ग्रुप के अंदर का एग्जाम चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन कि आपको एडमिट कार्ड किस तरह निकालना है, उसके बाद में आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका लोकेशन कैसे देखना है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर जो एक नोटिस जारी किया गया था आरपीएससी द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के संबंध में था, जो 11 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर जिसका एग्ज़ाम चलेगा और ये लगभग ज़्यादातर संभाग लेवल पर है। उसके अलावा अलवर और गंगानगर को एक जिला मुख्यालय पर हो रहा है, बाकी सभी लगभग संभाग लेवल पर एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ए और बी ग्रुप के जो प्रवेश पत्र हैं, जिन सब्जेक्टों का ए और बी ग्रुप में आ रहा है, ए ग्रुप वालों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और बी ग्रुप वालों के जिला आवंटन की सूचना है जो आ चुकी है, एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम जहाँ पर हो रहा है। ये सभी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, अपन एसएसओ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आपको जो सिटीजन ऐप का टैब दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ही समय में ये सिटीजन ऐप है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट का पोर्टल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने जितने भी फॉर्म फिलअप किए वो यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा और न्यू जो रिक्रूटमेंट चल रही है, भर्तियाँ चल रही है, वो जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो नोटिस के अंतर्गत एक न्यू टैब नज़र आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो क्लिक हेयर फॉर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो न्यू लोकेशन का टैब चल रहा है, इस पर आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आ चुका है। अभी मैंने टिक कर दिया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे टिक किया, इस जो स्कूल लेक्चर की भर्ती हो रही है उसके बारे में यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जाएगी, पोस्टिंग वगैरह ये सारी जानकारी। उसके बाद में यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर्म को आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको एडमिट कार्ड निकालना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक एप्लीकेशन पर व्यू कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है वो भी आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो नाउ योर सेंटर लोकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी सेंटर की जहाँ आपको सेंटर मिल रहा है वो लोकेशन 7 दिन पूर्व है जो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और 3 दिन पूर्व है एग्जाम से आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकेशन वाले टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ जानकारी आपको फिलअप करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्म नंबर दर्ज करना है, देख पा रहे हैं, और फिर आपका जो DOB है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। जैसे दोस्तों ये लॉगिन करेंगे आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा और आपको वहाँ पर सेंटर बताया जाएगा कि आपका ये सेंटर है। और ये जानकारी आपको आपके मोबाइल पे SMS भी आया होगा और SMS से भी आपको ये जानकारी मिल गई होगी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लोकेशन हो चुका है, एग्जाम सेंटर लोकेट हो चुका है और 3 दिन पूर्व है जो आपको एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, वो भी सेम प्रोसेस। जैसे एडमिट कार्ड वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको सेलेक्ट करना है कि किसका एडमिट कार्ड निकालना है, जो कि यहाँ पर प्री दिया हुआ है। उसके बाद में मेंस और इंटरव्यू, ये 3 दिए हुए टैब, सपना तो मेंस ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम है इसका, यहाँ पर आपको ये निकाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो भी है और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के गेट एडमिट कार्ड पे टिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड भी यहाँ पर मिल जाएगा। अभी एडमिट कार्ड है जो ग्रुप ए के आ चुके हैं, ग्रुप बी और CD वालों के भी आना बाकी है, इसलिए यहाँ पर आपको जैसे 3 दिन पूर्व है जो इस तरह प्रोसेस करके आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे भर्ती संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम मिल सके। थैंक यू।